15 अगस्त 1947 सभी भारतीयों के लिए एक यादगार दिन था, क्योंकि उसी दिन हमें हमारी आजादी मिली थी। लेकिन इस दिन का एक और महत्व है, और वो ये है कि 15 अगस्त 1947 में ही एक नए एंटरटेनमेंट स्टूडियो का जन्म हुआ था, जिसका नाम था राजश्री। राजश्री की शुरुआत हुई फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन से, और अब तक 1000 से ज्यादा फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं ये। परिवार, सम्मान, आदर, प्यार, संस्कृति, इन्हीं तमाम चीजों से तो बना है राजश्री, और आज 2017 में भी ये इन्हीं वैल्यूज के लिए जाने जाते हैं। राजश्री को लोग इनकी बेहतरीन फिल्मों के लिए जानते हैं, और इन्हें बनाने वाले राजश्री प्रोडक्शंस का सेटअप हुआ 1962 में, जिनकी पहली फिल्म थी आरती, जिसे लोगों ने काफी सराहा, और वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी स्क्रीन की गई। जिसके बाद आई फिल्म दोस्ती साल 1964 में, और इस फिल्म की खासियत थी कि इस फिल्म में कोई भी बड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक मेगा सक्सेस थी। एक दौर था जहां एक ही तरह की फिल्में बना करती थी, लेकिन राजश्री हमेशा से ही जमाने के दो कदम आगे निकलकर कुछ नया करते आया है। जैसे 1978 में आंखों के झरोखों से जैसी फिल्म बनाना, जो उस दौर के लिए थोड़ा एडवांस था। या 1989 में मैंने प्यार किया रिलीज करना। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू, ओके ओके। उस वक्त पर जब हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक बुरे वक्त से गुजर रही थी, वीडियो फॉर्मेट इंट्रोड्यूस होने की वजह से, इसी समय के दौरान राजश्री ने लॉन्च किया अपना इन हाउस टैलेंट सूरज बड़जातिया, जो सिर्फ 24 साल के थे जब उन्होंने मैंने प्यार किया डायरेक्ट की थी। इस फिल्म से मिला बॉलीवुड को अपना नया सुपरस्टार सलमान खान। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ही। मैंने प्यार किया के बाद सूरज जी ने डायरेक्ट किया हम आपके हैं कौन, और ये फिल्म उस दौर में रिलीज हुई थी जब लोगों ने थिएटर्स में जाकर फिल्में देखना कम कर दिया था। लेकिन इस फिल्म ने एक बार फिर व्यूअर्स को थिएटर्स की तरफ आकर्षित किया। राजश्री ने अब तक 57 फिल्में प्रोड्यूस की है, और उनकी सबसे लेटेस्ट रिलीज थी प्रेम रतन धन पायो, जो एक मैसिव 200 करोड़ प्लस ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। और इस फिल्म की खासियत ये भी थी कि पूरे 16 साल बाद सलमान खान की वापसी हुई राजश्री परिवार में वंस अगेन एज प्रेम। सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो। वैसे ये तो थी बड़े पर्दे की बात, लेकिन राजश्री ने ना सिर्फ बड़े पर्दे पर बल्कि छोटे पर्दे पर भी काबिले तारीफ काम किया है, और अपने टीवी प्रोग्राम के जरिए वो हर घर में मशहूर भी हो गए हैं। राजश्री के टीवी प्रोग्रामिंग का सिलसिला शुरू हुआ 1985 में पेइंग गेस्ट से। सूरज बड़जातिया का कहना है कि टीवी में बदलाव लाने के लिए ही उन्होंने कदम रखा सीरियल्स की दुनिया में, और 2005 में उन्होंने प्रोड्यूस किया वो रहने वाली महलों की, और उनके कुछ लोकप्रिय सीरियल्स थे प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मैं तेरी परछाई हूँ, एंड देयर इज नो लुकिंग बैक सिंस देन। करंटली पिया अलबेला और एक श्रृंगार स्वाभिमान टीवी पर लोगों का दिल जीत रहे हैं, और अब तक राजश्री ने 11 टीवी प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए हैं। राजश्री अक्सर नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने में विश्वास रखता है, और कभी भी कोई बड़ा रिस्क लेने से कतराता नहीं। तभी तो साल 2006 में राजश्री ने एक नई दुनिया में कदम रखा और बन गया वन ऑफ द फर्स्ट वेंचर इनटू डिजिटल इन 2006। राजश्री ने लॉन्च किया अपना एंटरटेनमेंट पोर्टल राजश्री.com। इस पोर्टल के जरिए लोगों को किसी भी तरह का कंटेंट, जैसे कि मूवीज, म्यूजिक वीडियोस एक्सेट्रा, देखना या डाउनलोड करना काफी आसान हो गया था। जो कदम राजश्री ने सालों पहले ले लिया था, आज उसी कदम पर सारी दुनिया चल रही है। टुडे डिजिटल इज द वे फॉरवर्ड एंड राजश्री हैज टेकन बिग स्टेप्स फॉर इट। अनगिनत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब चैनल्स की शुरुआत की है राजश्री ने, जैसे बॉलीवुड नाउ, टेली मसाला, राजश्री मराठी, राजश्री फूड, राजश्री किड्स, राजश्री सोल एंड मेनी मोर वैरायटी ऑफ जॉनर्स टू एंटरटेन पीपल ऑफ एवरी एज एंड टेस्ट। 70 साल की आजादी के जश्न के साथ साथ
राजश्री इस साल एक और जश्न मना रहा है और वो है अपने 70 साल पूरे करने का। इस मुबारक अवसर पर राजश्री आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता है इस सफर में उनका साथ देने के लिए, और आपको सदा एंटरटेन करने का वादा करता है।